नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है इन्फोएज। और ये न्यूज़ में अभी काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा ही आ रही है लगातार, क्योंकि जोमेटो का जो IPO है वो लॉन्च हुआ है दोस्तों, और उसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही अच्छा हुआ है। इसीलिए इन्फोएज जो उसमें स्टेक होल्डर है, इनके भी शेयर आपको ऊपर नीचे हुए फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, इसमें हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और ये कंपनी एक्चुअली इन्फोएज के जो मालिक है, मिस्टर बिकचंदानी, मालिक तो नहीं कहूँगा अभी, जो फाउंडर हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो इन्फोएज जो कंपनी है ना दोस्तों, वो किन के लिए है? जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं दोस्तों। हाँ, मैं बता दूँ, जब मैं आपको इसकी क्रेडेंशियल दिखाऊंगा ना दोस्तों, क्रेडेंशियल इन द सेंस बैलेंस शीट, तो शायद आपको उतनी अट्रैक्टिव ना लगे दोस्तों, आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्या था इस शेयर में। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि इनके पास जो बिजनेस है ना दोस्तों, वो फ्यूचर के बिजनेस है दोस्तों। और मैं पर्सनली तौर पर बताऊँ, मैं मिस्टर बिकचंदानी को नहीं जानता था। मैं जब पढ़ा इनके बारे में तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब ये इंसान ने, मुझे लगता है, वो चीज़ें पहले ही देख ली थी जो आज हो रही हैं दोस्तों। और बिजनेस ऐसे ही चलते हैं दोस्तों, और ऐसे बिजनेस में रिटर्न ना बहुत समय के बाद आते हैं दोस्तों। और जोमेटो ऐसी पहली कंपनी है दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है दोस्तों, जो स्टार्टअप थी। इसीलिए दोस्तों, ये इन्फोएज का स्टॉक उन्हीं के लिए है जो थोड़े रिस्क टेकर हैं, जो स्टार्टअप में, इंडिया के स्टार्टअप में बिलीव रखते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भले ही छोटा इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है वो प्योरली यही काम करती है दोस्तों। जो हम बोलते हैं ना, जो हीरे परखना, ये उसी का काम करती है दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और जो ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हैं, ऐसी कोई कंपनी खोज रहे थे दोस्तों, इन्फोएज से अच्छी मुझे कंपनी तो नहीं पता स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टेड है। आपको पता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो अब आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस की मेरे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों, जिसमें मैंने हर कंपनी को, फिलहाल नहीं, कम से कम 10-12 कंपनीज के ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीटली किए हैं दोस्तों, जीरो से आखिरी तक। आप उस प्लेलिस्ट की, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा दोस्तों, आप जाके वहां पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप फंडामेंटल्स करना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं इस कंपनी की वेबसाइट, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है अगर किसी कंपनी के बारे में थोड़ा जानना है ना दोस्तों, तो उसकी वेबसाइट में लेके चलिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मैं जिस प्रकार डिसअपॉइंट हुआ दोस्तों, वो इस चीज को लेकर के। आप इधर देखिए, ये नॉट सिक्योर दोस्तों। मतलब क्यों है ये ऐसा? इतनी बड़ी कंपनी और नॉट सिक्योर लिखा हुआ है भैया, तो ये एक्सप्रेशन मुझे तो पसंद नहीं आया। अगर कोई रीजन होगा तो नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ, आपने ये सब कंपनीज के बारे में सुना होगा, Naukri.com, ये इन्होंने 1995 में दोस्तों शुरू की थी Naukri.com, है ना ये, और Naukri.com, शिक्षा, जीवनसाथी.com, 99acres, यहाँ दोस्तों 99acres भी इन्हीं का स्टेक है, FirstNaukri.com, Crodagel, दोस्तों ये तो इसकी कुछ कंपनीज, मैं आपको दिखाऊंगा इनकी और क्या क्या कंपनीज हैं दोस्तों। देखिए Naukri.com, आपको पता होगा कि नौकरी ऑनलाइन पोर्टल, वेब जो नौकरी के पोर्टल हैं दोस्तों, जॉब पोर्टल्स, वो लगातार कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई भी नौकरी जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाया है, और मुझे नहीं लगता कि कर भी पाएगा दोस्तों। भाई हम सबको पता है आजकल पेंडेमिक के समय में जीवनसाथी.com जैसी का वेबसाइट क्या लेके आई है दोस्तों। और जब हम सब अपने न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो आपको पता होगा सब लोग आजकल जीवनसाथी.com या ऐसी कंपनियां कितनी सर्च करते हैं दोस्तों, और ये कितना प्रोस्पेक्टस इनका फ्यूचर में कितना स्ट्रांग है दोस्तों। 99acres, भैया सबको चाहिए आजकल मकान किराए में, तो ऐसे टाइम में ऐसे बिजनेस तो फ्लरिश होंगे ही दोस्तों। तो आप देखिएगा इनके पास कितनी अच्छी अच्छी पोर्टफोलियो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ इनकी ऐसी चीज़ों में जिसमें इन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया दोस्तों, और आप देखेंगे, लगातार देखते जाइए भाई। ये पॉलिसी बाजार, हाँ जो दोस्तों, हाँ, पॉलिसी बाजार में भी इनकी स्टेक है, और इंश्योरेंस सेक्टर का बताने की जरूरत नहीं है
कि इंश्योरेंस सेक्टर का हमारे इंडिया में कितना पेनिट्रेशन बचा हुआ है और कितना हाईली प्रोस्पेक्टस है इस इंश्योरेंस सेक्टर का, और पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियां जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर को एक ही जगह प्लेटफॉर्म में देती हैं, जहां आप हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के कार इंश्योरेंस सब करा सकते हैं, वो कितनी बड़ी गेम चेंजर होगी दोस्तों इस सेक्टर में। ठीक है, तो ये इनकी एक और, मैं बताया था ना आपको, ये वो चीज मुझे लगता है देख लेते हैं जो आप और मैं नहीं देख पाते, मायडाला, मेरिट नेशन, जोमैटो, भाई जोमैटो पता नहीं, उन्नति, कैनवेरा, मतलब ये गजब ही है दोस्तों, बैग बिग स्टाइलिस्ट, मतलब इनके पास मतलब पोर्टफोलियो देखिए, वैक्सीनेशन लैब्स, ट्रिप, मतलब कई कंपनी मुझे भी नहीं पता क्या करने वाली है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब हर एक कंपनी के बारे में अगर मैं एकदम डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस आप ये देख लीजिए कि हर एक सेक्टर की जो कंपनीज है, हर एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में आपको जो इस कंपनी इन्फो एज का जो स्टॉक है दोस्तों, आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं जो जोमैटो का आईपीओ जो इतना अच्छा लिस्ट बना दोस्तों, उसके बाद देखिएगा स्टार्टअप कल्चर को कितना बूम मिलता है, और जो बाकी के इनकी पोर्टफोलियो कंपनीज है इनको भी शायद आगे चल के लिस्ट कराने की कोशिश करें दोस्तों। इसीलिए अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जहां आप ऐसी कंपनी में पैसे डालें जो कि कंपनीज फ्यूचर के जो मल्टीबैगर्स हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं उतना ही रिस्क होता है ऐसी कंपनीज में। ऐसी कई कंपनीज होती है जिसमें आप स्टेक तो डालते हैं दोस्तों, लेकिन वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं चलता है। तो ये रिस्क हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हर चीज हरी हरी नहीं होती, मतलब एक चीज अगर सक्सेसफुल है तो कई चीज नॉन सक्सेसफुल भी होती है दोस्तों, नॉन सक्सेसफुल तो गलत बोल रहा, सॉरी अनसक्सेसफुल होती है दोस्तों। ठीक है, तो भैया अब हम चलते हैं इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। आज ये हैं ये कपिल कपूर, इनके चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और दोस्तों ये है, ये देखिए संजीव बिगचंदानी, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद। और मैं आपको दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा दोस्तों, अगर जो भी आपको मिले संजीव बिगचंदानी जी के बारे में, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है दोस्तों। इसीलिए बस मैंने आपको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट दिखाई ताकि मैं इनको दिखा सकूं आपको, और आप प्लीज इनके बारे में जाके पढ़िए अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई ये कंपनी जो ऐसी कंपनी में क्या रिस्क होते हैं, और ये सर क्यों इतने फेमस हैं कि जो कोयलों में से भी हीरा चुन लेते हैं दोस्तों, है ना। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में कि भाई इनके माइंड स्टोन को थोड़ा रिकैप करते हैं। भैया मार्च 1997 Naukri.com इज लॉन्च्ड, वाज लॉन्च्ड, है ना। और उसके बाद ये देखिए मार्च 8 2010 ICICI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड मेक अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट रुपीज 72.9 मिलियन इन इन्फो एज दोस्तों। इन्फो एज की कंपनी थी भैया, इन्फो एज इन्हीं की कंपनी थी, तो सबसे पहले ICICI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड ने 72.9 मिलियन डॉलर ने सबसे पहला बड़ा फंड को यही मिला था भाई। बिजनेस बिकम प्रॉफिटेबल पोस्ट वीसी फंडिंग, आपने उस सोराई वो पेट्टरू जो पिक्चर आई है अभी, सोराई पेट्टरू, मैं मुझे माफ कीजिएगा उड़ान शायद उसका हिंदी में डब वर्जन भी है, सूर्या की मूवी है, उसमें वो देखते हैं कि भैया वीसी फंड के, वीसी फंड ढूंढने के चक्कर में बहुत होता है और आखिर में उनको धोखा ही मिलता है। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कब हुई, जब इसको वीसी फंडिंग मिली दोस्तों। फिर जीवन साथी डॉट कॉम जिनमें इनका 100% स्टेक है, वो सितंबर 2004 में शुरू हुई दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखेंगे 99acres.com प्रॉपर्टी की साइट, सितंबर 2005 में उन्होंने लॉन्च कर दी। मतलब आप देखिए इनको, इनके पास क्या क्या थी, आप पता होगा आपको, ये शायद मुझसे मेरे ख्याल से पहले ही समझ गए थे कि भैया क्या क्या चीजें देंगे। सबसे पहले आप भी को नौकरी चाहिए, वो हमने पोर्टल बना लिया, वेब पोर्टल। फिर भैया वो शादी करेंगे तो हमने जीवन साथी बना दी भैया। फिर क्या करें, इनको रहने के लिए मकान चाहिए तो हम 99acres बता देंगे। मतलब जो भी एक नीड है यंगस्टर की, ये सब पूरी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि और वाकई में आने वाले समय दोस्तों ये केवल बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कभी कम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आगे चलते हैं दोस्तों। तो भाई देखेंगे कि ये Naukri.com इंटरनेशनल ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। ठीक, और इन्फो एज लिस्टेड पब्लिकली इन इंडिया नवंबर 2006 में ये पब्लिकली लिस्ट हो गई दोस्तों। ठीक, फिर उन्होंने Shiksha.com चालू की भैया। फिर पॉलिसी बाजार, ये देखिए PolicyBazaar.com सितंबर 2008 में इन्होंने लॉन्च की। फिर Zomato हम सबका चाहिए था 2010 में दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। मतलब मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि ये कैसे पैसों को रखते नहीं है दोस्तों,
इधर उधर अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, और जो बोलते हैं ना एक एक जो रियल इन्वेस्टर होता है, व्हाट दिस काइंड ऑफ नेचर इज यू विल गेट फ्रॉम इन्फोएज दोस्तों। अब थोड़ा इसके फाइनेंशियल में चलते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए आप कि इसका जो मार्केट कैप, एक ये लार्ज कैप कंपनी है, 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। करंट मार्केट है 5,103, हाई इसने बनाया है 5,880 का, वहाँ से लगभग 10-12% नीचे आ चुका है। लो था इनका लगभग 3,000 का, मतलब लगभग आप मान के चलिए 80-90% ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों एक साल के अंदर, ठीक है। स्टॉक की पी ऑफकोर्स महंगी है, बुक वैल्यू देख लीजिए, मतलब स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। डिविडेंड यील्ड जी हाँ बिल्कुल है। मेरे को एक और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है दोस्तों वो है ये, 10 रुपए की फेस वैल्यू की है दोस्तों, यानी स्प्लिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। ROC ROE देख के आपको शायद मजा ना आ रहा हो, अपन इसमें डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा चलते हैं हम इसके थोड़े की पॉइंट की, भैया इनकी रेवेन्यूज आते कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए आप चलते हैं, सबसे बड़ा रेवेन्यू इनका रिक्रूटमेंट वर्टिकल, 70% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है, ठीक है। द कंपनीज लार्जेस्ट बिजनेस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रन अंडर Naukri.com, ठीक है। उसके बाद इनका नेक्स्ट आता है रियल इस्टेट वर्टिकल से, 17% रेवेन्यू दोस्तों। 70% आता है इनका कहाँ से आता है, Naukri.com। 17% आता है इनका कहाँ से, PN99acres.com से। फिर क्या है, अदर्स रेवेन्यू जो है, अदर रेवेन्यू यानी द कंपनी ओन्स अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट JeevanSakhi.com विच इज अमंग द 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द मार्केट। द वर्टिकल हैज रीओरिएंटेड इट्स बिजनेस विद फोकस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक कम्युनिटी विद क्लियर टर्म्स इन नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज्यादा यूजर्स कर चुकी हैं, तो 13% एक और हो गई। कहाँ से आती है भैया, ये आती है अदर से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये इसीलिए, इसके पास फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है दोस्तों, नौकरी ढूंढना कोई कभी छोड़ेगा नहीं, घर लेना कभी कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और शादी करना तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ने वाला है दोस्तों, यानी इनकी जो तीनों बिजनेस दोस्तों ये फ्यूचर से इंटैक्ट हैं, मतलब इनके जो तीनों जो वो हैं आप मान लीजिए जो इनके तीनों फ्यूचर हैं बिजनेस हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड है आने वाले समय के, क्योंकि भाई सबको पता है न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, हम रिश्तेदारों से कम जुड़े हुए हैं, तो शादी करने के लिए हम कहाँ जाएंगे भैया, मैट्रिमोनी साइट में जाएंगे, जाएंगे क्या, जाने ही लग गए हैं, हमको ज़्यादा पता नहीं कि कहाँ क्या करना है, अजनबी शेयर आएंगे, हम क्या करेंगे, हम 99 acres खोजेंगे और भैया दोस्त वो मकान का पता लगाएंगे, और फिर हमको नौकरी चाहिए थी तो हमने क्या किया था, हमने Naukri.com से नौकरी पाई थी ऑनलाइन वेबसाइट करके। तो दोस्तों ऐसा ही है कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, एक बहुत अच्छा है, जो इनके साथ जो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस एक रिस्क है जो आपको समझना होगा कि भाई ये जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो ये पैसा एकदम मल्टीफोल्ड होता है और मल्टीफोल्ड होने में बहुत समय लगता है और गिरने के भी चांसेस उतने ही रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे कि भाई इनमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। ये देखिए 19.3% का Zomato में, पॉलिसी बाजार 215.1% का है, नो पेपर फॉर्म्स का 48.1% स्टेक है, केवल 3% और स्टेक लगभग, उसके बाद ये कंट्रोलिंग स्टेक पकड़ लेंगे। भाई द वेबसाइट रन्स अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग SaaS प्लेटफॉर्म विच इज अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लीड मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये दोस्तों एक मैनेजमेंट सिस्टम जो कंपनीज में होती हैं उनको चलाने के लिए, हैप्पीली एनवायरमेंट उस तरह में भी दोस्तों इनका, उस तरह क्या आपको पता होगा 32.7% स्टेक है। उस तरह क्या है आपको पता है, मैन ग्रूमिंग कंपनी है दोस्तों, ये मुझे नहीं पता था दोस्तों, वहां पे भी आप इनका स्टेक पाएंगे, मैं बताया ना आपको, और आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा बिजनेस है। आप देखेंगे अचानक से आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास मैन जो शॉपिंग पार्लर थे, शॉपिंग पार्लर के अंदर सेंस जो बार्बर कटिंग पार्लर थे, आजकल जो लड़के हैं वो बियर्ड रखने लग गए दोस्तों, उनको अलग अलग हेयर स्टाइल चाहिए। तो आने वाला फ्यूचर में लड़कियों ज्यादा बिजनेस जो, और जो कॉस्मेटिक मार्केट है वो लड़कों का ज्यादा बड़ा हो रहा है दोस्तों, और उस तरह एक बहुत अच्छा नाम है, और आने वाले टाइम में ये मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल वेंचर रहेगा हमारे इन्फोएज के लिए। फिर बाकी जो इनके इन्वेस्टमेंट हैं वो भी हैं दोस्तों, मतलब आपको मैंने बता दिया इसमें किस किस के हैं, और आप देख के भी समझ रहे होंगे कि कुछ कंपनीज ऐसी है जिसमें हाँ वाकई जो जो फ्यूचर है वो इंटैक्ट है दोस्तों।
एक जो स्टार्टअप की सबसे बड़ी बात होती है ना, जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि इस दुनिया में वही स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए दोस्तों जो बहुत सिंपल रहे हैं। आप उठा के बुक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सोचेगा कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करूंगा दोस्तों, वो स्टार्टअप आज नहीं तो कल फेल होगा ही दोस्तों, है ना। तो कीप इट सिंपल, तो आपको वो स्टार्टअप बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको फंडिंग मिलनी चाहिए और आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए और मेहनती होनी चाहिए दोस्तों। और जो सबसे बड़ा, वो लक होना चाहिए दोस्तों, कि अगर आपके पास सभी पांचों इंग्रेडिएंट हैं, बस एक इंग्रेडिएंट नहीं है और वो है लक, तो दोस्तों आपको ये दोनों मिला करके जब तक नहीं आएंगी आप नहीं भागेंगे। अगर ये आपके साथ नहीं दोस्तों, ये पांचों आपके साथ है तो भी नहीं होगा दोस्तों, कम से कम तुरंत तो नहीं होगा। जो काम 2 साल में होने वाला होगा वो 5 साल लगेगा दोस्तों। अब इस थोड़ा चीजें चलते हैं दोस्तों, इस कंपनी का एक और चीज देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री दोस्तों। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद ये डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली, मैं आपको बता दूं। अब हम चलते थोड़ा नीचे, और ये इनके पीयर कंपैरिजन है। पीयर कंपैरिजन मैं इसलिए करूंगा कि बहुत सारे रीजन दोस्तों, क्योंकि ये जस्ट जब इंटरमार्ट की नहीं मिलती मुझे, क्योंकि इसका बिजनेस थोड़ा अलग है दोस्तों। अब हम चलते हैं इनके टॉप लाइन में, देखते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसकी सेल्स देखिए आप, ये आपको बढ़ते हुए दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और फिर धीरे से इसमें घटे हुए देखेंगे। ये देखिए जून 2020 के बाद घटे, फिर घटे, उसके बाद फिर ये नेग्लिजिबली बढ़े, फिर ये बढ़े दोस्तों। तो ये एक स्टेडी है दोस्तों, एक स्टेडी आपको दिख रहा होगा, एक स्टेडी इसमें रेवेन्यू आपको, सेल्स आपको दिख रही होगी दोस्तों। एक्सपेंसेस देखिए दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बिजनेस की एक और बात यह है कि लाइट एसेट कंपनी दोस्तों, मतलब इस कंपनी को चलाने में ना खर्चा ज्यादा नहीं दोस्तों, एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि फुल्ली फुल्ली जो है वो वेबसाइट या ऑनलाइन बिजनेस है दोस्तों। तो ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है ना, आपको मैन पावर कम चाहिए, आपको थोड़ी अच्छी स्किल की टीम चाहिए दोस्तों, जिसको आप ट्रेन कर लीजिए। और मान लो मार्केट में कुछ ऐसा होता है, कुछ बहुत सारी चीजें हो गई, तो आपको क्या लगेगा एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छे डेवलपर की टीम जो हफ्ते 10 दिन या महीने भर में, एक ऐसा या 6 महीने में, तो मैं 6 महीने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1-4 महीने में अपने आप को जो वेबसाइट है उसको अपडेट करते रहेगी दोस्तों, और जो जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में उसे अपने आप को इवॉल्व करती रहेगी। जैसे आपने देखा कि पहले आई naukri.com, फिर उन्होंने क्या किया भाई, naukri.com के बाद उन्होंने गल्फ नौकरी गल्फ स्टार्ट कर दी दोस्तों, इंटरनेशनल उसके लिए। तो मैं यही कहा कि भाई समय के साथ कैसे तुरंत चेंज हो गया, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगानी है कि आपको इतना खर्चा होगा। आप देख रहे होंगे ओला ने इतनी ह्यूज फैक्ट्री लगाई इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि सब की सब सीधे इसे पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की ओर डिफरेंशिएट हो रहा दोस्तों। तो उसी बहाने देखिए कितना नया प्लांट लगाना पड़ा, कितनी फंडिंग करनी पड़ रही है, डेट उठाना पड़ रहा है, बट ऐसा इसके साथ नहीं होगा भाई। कोई चीजें चेंज हुई, तुरंत हमने अपने डेवलपर्स को बुलाया और पूरा बिजनेस चेंज कर लिया। इसीलिए आपको इसमें जो वो इसमें जो आपको दिखेगा एक्सपेंसेस वो कम है दोस्तों इस कंपनी में, या ऐसी कंपनी में वैसे ही कम होता है, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते हैं भैया, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये नेगेटिव है दोस्तों, ये फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव, अब ये फिर पॉजिटिव। इसे देख रहे हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही फ्लक्चुएट होता रहता है दोस्तों, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव में, है ना। और भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, ये 1 करोड़ माइनस, फिर ये देखिए गजब गजब, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर ये देखिए अभी देखिए फिर घट गया ये। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है ना। नेट प्रॉफिट देखिए आप इनका, आप देखेंगे कि माइनस माइनस, फिर अचानक से बढ़ोतरी दोस्तों, फिर ये अचानक से बढ़ोतरी, फिर माइनस। तो देखिए ये ना इसकी जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्या दिखा रहे हैं कि भाई ये एक ना स्टेडी है दोस्तों, अगर इसमें गिरावट आएगी तो उसके बाद फिर ऐसे ही ऊपर उठेगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो एक प्रकार से ठीक ठाक है दोस्तों, अगर आप एक बार देखेंगे तो। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल कंपनी है जो फ्यूचर देख रहे हैं दोस्तों, जो ये चाह रहे हैं कि स्टार्टअप में ऐसी कंपनी में डालें जो चुन के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हो और आने वाले समय में मल्टीफोल्ड रिटर्न कर देती है दोस्तों। अब आते हैं भैया अपने प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनकी सेल्स तो एक ही बढ़ रही है बढ़ रही है, और आप लास्ट के देखिए सेल्स 1051, ये
और एक्सपेंसेस भी उतने ही प्रकार से बढ़े हैं दोस्तों, ये देखिए। और इसी कारण है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों, ये आप देखेंगे कि इतने के बावजूद भी आप देखेंगे ये निगेटिव, उसके बाद केवल 62 करोड़ का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा होगा। और जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, ये देखिए कि ये माइनस में है, उसके गजब की 1407 करोड़ रुपीज की गजब की प्रॉफिट आई दोस्तों ये, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से और कुछ चीजों की दोस्तों, तो आप देखेंगे कि भाई इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो देखिए, 3 साल में 4%, 8%, 10 साल में 13%, और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है दोस्तों, ये देखिए 145%, 30, 5 साल में 0, 10 साल में 9। तो स्टार्टअप ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों। आप CAGR देखिए, 1 साल में 68%, 59%, 43%, 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE में ये देखिए, कोई भी आपको इंप्रेसिव नहीं दिखेगा दोस्तों, बट स्टिल ये अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास थी दोस्तों, उसके बाद से गिरी है। कि दोस्तों लोगों का भरोसा है इसमें, आप FIS की जब मैं इसको स्टेक दिखाऊंगा आपकी, आप लोगों को, तो आप हैरान हो जाएंगे इसमें कितनी स्टेक है गजब की, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट देखिए आप, है ना, बोरोइंग लगभग जीरो है दोस्तों, ये देखिए बोरोइंग इसमें आप देखेंगे तो इसमें बोरोइंग तो भैया है ही नहीं, लगभग केवल 65 करोड़ की, जो पिछले साल 77 करोड़ था वो घट के 65 करोड़ हो गया दोस्तों, है ना। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आप इसके रिजर्व्स देखिए, 5,331 करोड़ रुपीस, जो कि मार्च क्वार्टर में 2020 में कितने थे भैया, ये थे 2,073 रुपीस, वो अब बढ़ के दोस्तों कितने हो गए, 5,331। मतलब ये कैश रिच कंपनी दोस्तों, कैश रिच। और कैश रिच का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है पता है आपको, कि वो अपॉर्चुनिटी को ना कैश इन कर लेते हैं। कोई ऐसी कंपनी जो भाई स्ट्रगल कर रही हो लेकिन उसका बिजनेस अच्छा हो, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है या पैसे नहीं है, तो ऐसे टाइम में ऐसी कंपनी जो कैश रिच है उन्हें खरीद करके वो और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अभी बढ़ा सकती है और अपनी कंपनी को के ग्रोथ इंजन को एक तगड़ी रफ्तार दे सकती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, इसके चलते हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा दोस्तों। तो आप देखेंगे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को लगातार घटाया है दोस्तों, ये देखिए पिछली बार से भी आपको हल्का सा डाउन दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा कुछ नहीं है। और पिछले ये 2-3 साल में दोस्तों इन्होंने केवल 3-3.5% की आपने इन्होंने गिराई है, अपनी स्टेक को सेल किया, तो ये किया है तो खरीदा किसने है? आपको मैं बता दूं किसने खरीदा है, ये देखिए जून 2018 में 33% की स्टेक रखने वाले FIIs आज 39.33% का स्टेक रखे हैं दोस्तों, और ये पिछले बार 40% था। आप देखिए इसमें जो DIIs है उन्होंने अपना स्टेक घटाया है, जहां 14.51% थे आज केवल 11.25% रह गए। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है भैया इसमें, है ना, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो दोस्तों वही है कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये आपको भले ही इसमें अच्छी ना दिख रही हो, बट एज अ फैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी कंपनी खोज रहे हैं जो भैया आपको अच्छा रिटर्न दे फ्यूचर में, और आप ऐसी कंपनी में करना चाहते हैं जो एक स्टार्टअप में करनी हो, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप में करना चाहते थे या आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो आप इनडायरेक्टली ऐसी कंपनी में डालिए जो चुन चुन के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके पैसे को फ्यूचर में मल्टीफोल्ड रिटर्न में इन्वेस्ट करें, रिटर्न दें आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दें। तो दोस्तों वही है इन्फो एक एक ऐसी ही कंपनी है। अभी जो मार्केट ऑल टाइम हाई है, मुझे लगता है थोड़ा सा में गिरावट और आएगी, तो दोस्तों छोटे छोटे अमाउंट में इसको खरीदें, गिरावट में खरीदारी करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस कंपनी में वही लोग निवेशित रहें जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म मतलब वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसी में आपको मल्टीपल रिटर्न मिलेगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं पता दोस्तों ऐसी कंपनी में लोग क्यों करते हैं, इसीलिए गिरावट में खरीदे, एक्यूमुलेट कीजिए। और दोस्तों इस कंपनी को एक बहुत ही अच्छी कंपनी समझें, खुद से भी कुछ रिसर्च करें और उसके बाद निवेश करें, क्योंकि ये प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए थी, आपको अपनी खुद की बुद्धि से यूज करना है दोस्तों, और कोई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।